जनाब स्पीकर, यहाँ पे मैं आपकी अटेंशन एक चीज की तरफ लाना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्डर ऑफ द डे आज शाया हुआ है जी, आपकी तवज्जो आईन पाकिस्तान की आईन इसके सेक्शन इसकी आर्टिकल 56 की तरफ आप आ जाएं और जरा ये पढ़ लें जनाब स्पीकर। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आईन और कानून की बालादस्ती आजकल हमारे मुल्क में चल नहीं रही है, तो इस हाउस का टेंशन मैं उसकी तरफ लाना चाह रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है जनाब स्पीकर, मैं पढ़ के सुना देता हूं। द प्रेजिडेंट मे एड्रेस ईदर हाउस और बोथ हाउसेज असेंबल टूगेदर एंड मे फॉर दैट पर्पज रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर्स। इसका सबसेक्शन 2 पढ़ें। इसका है सर दैट प्रेजिडेंट मे सेंड मैसेजेस टू ईच हाउस with respect to a bill when pending in Majlis-e-Shura or otherwise in a house to which any message is so sent shall with the convenient dispatch consider any matter required by the message to be taken into consideration. Aur iska ye sir ki aapka at the commencement of first session after each general election to the National Assembly and the commencement of the first session of each year the president shall address both houses assembled together and inform the Majlis-e-Shura of the causes of its summons. Acha sir, is pe yahan pe iska padhe number 4, provision shall be made in the rules for regulating procedure of house and the conduct of his business for the allotment of time for discussion of the matters referred to in the address of the president. Iske sath abhi aa jaye janab speaker aap rule 60 aur rule 62 pe, rule 60 pe aa jaye janab speaker, wo discussion of president's address. Subsection 2 है रूल 60 का, subsection 2, the president's address may be discussed by means of a motion of thanks moved by minister for parliamentary affairs or any other and seconded by any member or any minister or a member. अच्छा सर, इस पे यहां पे जो अहम चीज है, जो सबसे अहम चीज है कि रूल 66 भी आप देखें कि notwithstanding that a day has been allotted for discussion in the president address, इसका important चीज ये है कि आपने बकायदा motion move करना है कि इस house ने president का address discuss करना है। यहां पे ये order of the day 1 अप्रैल का है जनाब स्पीकर, और ये infructuous है, इसकी कोई value नहीं है। यहां पे डिस्कशन जो है वो किक ऑफ होगी, यहां पे मोशन मूव होगा, यहां पे हम लोग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उस पर कमेंट करेगा, उस पर स्पीच करेगा, उसके ऊपर हमारे ऑपोजिशन के अराकीन बात करेंगे, उसके ऊपर यहां पे तबसरा किया जाएगा कि क्या पर्ल्स ऑफ विजडम कहां से आई हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, तब आप जा सकते हैं। जनाब स्पीकर, इस वक्त हम लोग देख रहे हैं जिस तरह के मुल्क में जो इस वक्त आईनी और कानूनी चीजों का फोकदान है, यहां पे आप जहां पे आप देख लें जनाब स्पीकर कि यहां पे हमारे ब्रिगेडियर घोमन साहब के हलके में उन्होंने अपने कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया, वोट एक अप नहीं हुआ इनके हलके में। कॉलिंग अटेंशन प्रेरोगेटिव है स्पीकर का सर, मुझे पता है मैंने क्या लेना और क्या नहीं लेना सर। उस पर मेरी बात आप जरा तहमुल से सारे साथी सुन लें। ब्रिगेडियर घोमन साहब के हलके में मगर आज नहीं करूंगा। एक लड़का शहीद हुआ चीफ मिनिस्टर पंजाब के कॉन्वॉय में, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ पे महंगाई के इश्यूज हैं, यहाँ पे पेट्रोल पंप और बिजली बंद के इश्यूज हैं। तकरीर ना कीजिए, दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर चाहिए जनाब स्पीकर, दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे लीगली आप जनाब स्पीकर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं आप बाउंड हैं कि आपने इस आईन और इस कानून की पासदारी करनी है। हम लोग जनाब स्पीकर हमने हलफ उठाया है कि हम लोग इस आईन और इस कानून की पासदारी करेंगे। जनाब स्पीकर यहाँ पे ये सारा हाउस बाउंड है, ये वायलेशन हो रही है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। बराए करम आप उस चीज पे वापस आए और आप एकदम इस एजेंडा को सप्रेस करके प्रेसिडेंट के एड्रेस का डिस्कशन शुरू करें। मिनिस्टर जी ठीक है, और या कोई मेंबर मूव करें मोशन, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स करता हूं जी, मिनिस्टर।